हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे हैं और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है लिमिटेशंस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग के बारे में। तो मार्जिनल कॉस्टिंग के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसी लिमिटेशंस हैं कि जब आप मार्जिनल कॉस्टिंग का इस्तेमाल करते हो तो आपको कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं। राइट, हम एक एक करके इस बारे में बात करेंगे। बट उससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ ही साथ मैं कुछ और चीजें आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपको हम पता होगा कि हमारे चैनल पे एक ज्वाइन का बटन आपको स्क्रीन पे दिखता है। तो इस ज्वाइन के बटन को क्लिक करने के या फिर ज्वाइन करने के क्या फायदे हैं? आप अगर हमारे मेंबरशिप प्लान्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको इस बटन के ऊपर क्लिक करना होगा और इग्नू वाले एमकॉम के ऑप्शन में आना होगा और यहाँ पे ज्वाइन के बटन को क्लिक करके आपको हमारे मेंबरशिप प्लान को लेना होगा। इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आपको व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगा, आपको असाइनमेंट्स जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, एक रुपए भी आपको पेमेंट नहीं करना है, सॉल्व असाइनमेंट्स आपको मिलेंगे। साथ ही साथ आप अगर नोट्स लेना चाहें तो उसमें भी आपको प्राइसेस बहुत ज्यादा पे नहीं करनी होंगी, बहुत ही सस्ते दामों पे जो है आपको नोट्स प्रोवाइडेड की जाएंगी हमारे चैनल के द्वारा। तो आप इस तरीके से हमारे मेंबरशिप प्लान को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं एक और चीज बता दूं कि आपको अगर हमारी इन वीडियोस को सीरियली देखना है, ऑर्डर में देखना है, तो आपको हमारे चैनल पे आकर के प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाना है और वहां से फिर आपको इग्नू एमकॉम के ऊपर क्लिक करना है, जहां पे आपको ढेर सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। IBO 1 से लेकर के IBO 6 मतलब आपका फर्स्ट ईयर, और MCO 1 से लेकर के MCO 7 मतलब आपका सेकंड ईयर। इन सारे टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस अवेलेबल है, प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जहां पर ढेरों वीडियोस है जिनको देख करके आप एग्जामिनेशन में बहुत ही अच्छे मार्क्स ला पाओगे। ठीक है, तो चलिए फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं, विच इज अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग, है ना। तो सबसे पहला जो पॉइंट अभी हम बताने वाले हैं वो ये है कि डिफिकल्टी इन कॉस्ट एनालिसिस। जब आप मार्जिनल कॉस्टिंग के मेथड का इस्तेमाल करते हो अपनी कॉस्टिंग में, तो वहां पे आपको कॉस्ट एनालिसिस करने में काफी ज्यादा डिफिकल्टी होती है। कैसे होती है? सेपरेशन ऑफ कॉस्ट इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल बिकम्स वेरी डिफिकल्ट अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस एंड इन सर्टेन बिजनेसेस सिचुएशंस। तो बहुत सारे बिजनेस सिचुएशंस ऐसे होते हैं जहां पे आप डिफाइन नहीं कर पाते, जहां पे आप एक तरीके से सेग्रीगेट नहीं कर पाते, सेपरेट नहीं कर पाते फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को। अंडर वेरियस सर्कमस्टेंसेस आप नहीं कर पाते हो, जिसके कारण से कॉस्ट एनालिसिस में आपको दिक्कत होती है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। द एक्यूरेसी ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग रिजल्ट्स डिपेंड ऑन हाउ एक्यूरेटली कॉस्ट आर क्लासिफाइड। तो मार्जिनल कॉस्टिंग किस तरीके से काम करेगी या कितना ये इफेक्टिव होगा, ये प्योरली डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपने कॉस्ट को क्लासिफाई कर रहे हो, कैटेगराइज कर रहे हो इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको डिफिकल्टी होती है कॉस्ट एनालिसिस में। सबसे पहला लिमिटेशन जो है वो यही है। दूसरा लिमिटेशन है इनअप्रोप्रिएट बेसिस ऑफ प्राइसिंग। सो इन मार्जिनल कॉस्टिंग देयर इज अ डेंजर ऑफ टू मेनी सेल्स बीइंग मेड एट मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट प्लस सम कंट्रीब्यूशन रिजल्टिंग इन अंडर रिकवरी ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड्स। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या होता है कि मार्जिनल कॉस्टिंग में आप यहाँ पे एक तरह का खतरा होता है यहाँ पे कि जब आप सेल्स कर रहे हो ना, तो आप मार्जिनल कॉस्ट को ध्यान में रख करके सेल कर रहे हो, आप मार्जिनल कॉस्ट पे सेल कर रहे हो, या फिर आप मार्जिनल कॉस्ट से थोड़ा सा ज्यादा प्राइस पे जो है आप उसको सेल कर रहे हो। जब आप मार्जिनल कॉस्ट को दिमाग में रख के जब आप सेल करते हो ना, तो आपको प्रॉफिट ठीक तरीके से हो नहीं पाता। तो जो रिकवरी है फिक्स्ड ओवरहेड्स की वो अंडर होती है, वो अंडर रिकवरी ऑफ फिक्स्ड एसेट्स होता है, जिसके कारण से आपको एप्रोप्रिएट प्राइस जो है मिल नहीं पाता, आप कॉस्ट को एक तरीके से मैनेज ठीक तरीके से नहीं कर पाते हो। दिस सिचुएशन विल अराइज ड्यूरिंग डिप्रेशन और इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन। और ये सिचुएशन बहुत ज्यादा तब देखने को मिलती है जब डिप्रेशन होता है मार्केट में या फिर कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहा होता है। तो उस केस में इनअप्रोप्रिएट बेसिस ऑफ प्राइसिंग होने लगती है मार्जिनल कॉस्टिंग के क्षेत्र में। तो आपको ये प्रॉब्लम जो है देखने को मिलती है। तीसरा पॉइंट है अंडर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। तो मार्जिनल कॉस्टिंग जब भी आप इस्तेमाल करोगे तो आपको ये प्रॉब्लम भी देखने को मिलेगी कि आपका जो इन्वेंट्री है उसका आप अंडर उसको आप अंडर वैल्यू मेंशन करोगे, वो अंडर वैल्यू हो जाएगा। कैसे होगा? इन मार्जिनल कॉस्टिंग इन्वेंट्रीज आर वैल्यूड एट वेरिएबल कॉस्ट। जो इन्वेंट्रीज होते हैं उनका प्राइस किस तरीके से निकाला जाता है? वेरिएबल कॉस्ट को ध्यान में रख करके निकाला जाता है। इट मे क्रिएट प्रॉब्लम्स इन इंटर फर्म ट्रांसफर ऑफ गुड्स एट मार्जिनल कॉस्ट रिजल्टिंग इन हायर प्रॉफिट। तो ये एक तरीके से आपको प्रॉब्लम तब क्रिएट करेगा जब आप इंटर फर्म ट्रांसफर करोगे गुड्स को। सपोज मेरे पास बहुत सारे गुड्स है और मेरा ही एक दूसरा जो है फ्रेंचाइजी या फिर दूसरा फर्म जो है किसी और जगह पे है, तो जब मैं आपस में ट्रांसफर कर रहा हूँ गुड्स को, तो यहाँ पे मुझे हायर प्रॉफिट्स दिख रहे हैं, मुझे हायर प्रॉफिट्स के बारे में मैं सोच रहा हूँ। लेकिन जब आप मैं किसी कस्टमर को बेचूंगा तो वहां पे जो है दिक्कत होगी, और आप एक तरीके से जो वैल्यूएशन है वहां पे आप उसको ठीक तरीके से मैनेज नहीं कर पाओगे। मेरे पास अगर किसी इन्वेंट्री का वैल्यूएशन 20 रुपए है और मैं यहाँ पे प्रॉफिट कर रहा हूँ इंटर
ट्रांसफर जब मैं कर रहा हूँ तो मैंने 5 रुपए का प्रॉफिट ले लिया उस ब्रांच से, तो 25 रुपए उसकी कॉस्टिंग हो गई, राइट। मुझे प्रॉफिट तो यहाँ से मिलेगा, लेकिन उस वाले ब्रांच के लिए उस चीज का जो दाम है वो 25 रुपए का हो गया, राइट। तो यहाँ पे एक तरीके से ट्रांसफर ऑफ गुड्स जब होती है तो मार्जिनल कॉस्टिंग के क्षेत्र में जो प्रॉफिट्स है वो बढ़ जाते हैं और बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है दूसरी जो 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 बिजनेस है उसको, दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको, ना ही बिजनेस ना ही ऑर्गेनाइजेशन, जो दूसरा फर्म है उसको, ठीक है ना। तो इंटर फर्म ट्रांसफर में ये प्रॉब्लम्स होती है। इम्प्लॉयज मे डिमांड हायर सैलरीज एंड अदर बेनिफिट्स। अब इस केस में जो इम्प्लॉयज होते हैं वो हो सकता है कि आपसे हायर सैलरीज डिमांड करें या फिर जो अदर बेनिफिट्स होती हैं वो डिमांड करें। एक्सक्लूजन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट फ्रॉम इन्वेंटरी कॉस्ट सीम्स टू बी अगेंस्ट द एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रोसीजर। अब जब आप यहाँ पे एक्सक्लूजन कर रहे हो फिक्स्ड कॉस्ट का इन्वेंटरी से, तो यहाँ पे एक तरीके से ये अनफेयर लगता है या फिर ये गलत लगता है कि जो एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रोसीजर है आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, आप थोड़ा सा अलग होकर के उस काम को कर रहे हो। तो ये एक प्रॉब्लम जो है देखने को मिलती है मार्जिनल कॉस्टिंग में, एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द लिमिटेशन। चौथा नंबर पॉइंट जो हम करने वाले हैं वो है सेम मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट। This assumption is partly true when a limited range of activity. अब देखो ये हमेशा सही नहीं होता, ये जो पॉइंट मैं भी आपको बताने जा रहा हूँ ये एक तरीके से हमेशा सही नहीं होता है। जब मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट जो होती है वो सेम होने लगती है, कब? जब आप यहाँ पे स्कैर्सिटी ऑफ लेबर होता है, मटेरियल ब्रिंग चेंजेस इन प्राइस, ट्रेड डिस्काउंट ऑफ बल्क परचेजेस, चेंजेस इन प्रोडक्टिविटी ऑफ मैन, एटीसी। ये सारी चीजें जब होगी ना तब आपका मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट जो है वो एक तरीके से सेम आने लगेगा। तो ये एक तरीके से सही सिचुएशन नहीं होता है ना। तो ये जो सिचुएशन है ये भी हालांकि बहुत ज्यादा ऑफन नहीं है, कभी कभी ये होता है। दिस अजम्पशन इज पार्टली ट्रू, ये अजम्पशन जो है पार्टली ट्रू है व्हेन विद अ लिमिटेड रेंज ऑफ एक्टिविटी, जहां पे लिमिटेड रेंज ऑफ एक्टिविटी हो रही है वहां पे ये सारी चीजें जो है वो होती है ना। लेकिन ये भी वन ऑफ द लिमिटेशन है मार्जिनल कॉस्टिंग का, राइट। दो पॉइंट्स हैं और हैं, इनको भी कर लेते हैं। नॉट सुटेबल टू ऑल कंसर्न्स, डेफिनेटली मार्जिनल कॉस्टिंग सारे कंसर्न्स के लिए, आई मीन सारे बिजनेसेस के लिए एक तरीके से सुटेबल नहीं होती है। दिस टेक्निक मे नॉट बी सुटेबल इन दोस इंडस्ट्रीज व्हिच हैव लार्ज स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। तो ऐसी कंपनीज जिनके पास वर्क इन प्रोग्रेस का बहुत ही बड़ा भंडार होता है या फिर उनके पास स्टॉक होता है, उनके लिए मार्जिनल कॉस्टिंग जो है एक सही कॉस्टिंग मेथड नहीं है। और या फिर जिनके पास कॉन्टैक्ट है एंड शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री है, यहाँ पर मार्जिनल कॉस्टिंग एक सही मेथड नहीं कहा जाएगा। इफ फिक्स्ड एक्सपेंसेस आर नॉट इंक्लूडेड इन वैल्यूएशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, लॉसेस मे ऑकर इन द इनिशियल ईयर्स टिल द कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटेड। अगर फिक्स्ड एक्सपेंसेस को इंक्लूड नहीं किया जाएगा इस चीज में, तो एक तरीके से आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी आपके इनिशियल ईयर्स में, जबकि जब तक कि आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट ना हो जाए। देखो मार्जिनल कॉस्टिंग कंप्लीटली वेरियंसेस के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर एक तरीके से उसको बेस मान करके यहाँ पे काम किया जाता है। फिक्स्ड कॉस्ट की यहाँ पे बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है, उसको रखा भी नहीं जाता उस चीज में, है ना। तो फिक्स्ड कॉस्ट अगर आप कॉन्टिन्यूसली एक्सक्लूड करते रहोगे अपने वैल्यूएशन से वर्क इन प्रोग्रेस के, तो वहां पे डेफिनेटली आपको लॉसेस होंगे ना, क्योंकि आप उसकी एग्जैक्ट वैल्यू आप पकड़ ही नहीं पा रहे हो, आप एग्जैक्ट वैल्यू का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हो, है ना। ऑन कॉम्प्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ह्यूज प्रॉफिट विल बी एक्सेप्टेड, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता है तो जो प्रॉफिट है वो बहुत ही ज्यादा होता है। न्यू टेक्नोलॉजी विद द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, न्यू कॉस्ट एफिशिएंट मशीन्स आर अवेलेबल, रिजल्टिंग इन रिडक्शन इन लेबर कॉस्ट एंड इंक्रीज्ड फिक्स्ड कॉस्ट। द सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग व्हिच इग्नोर्स सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ कॉस्ट दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट कैन नॉट बी वेरी इफेक्टिव। हाँ, वही बात यहाँ पे बोली गई कि जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो इंक्रीज हो रहा है अभी के टाइम पे, क्योंकि यहाँ पे लेबर कॉस्ट जो है उसमें रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है हर जगह पे, तो मशीनों की एक फिक्स्ड कॉस्ट होती है, राइट। तो फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर ध्यान दिया जा ज्यादा दिया जा रहा है, लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग में एक तरीके से इग्नोर कर दिया जाता है फिक्स्ड कॉस्ट को। तो जहां पे फिक्स्ड कॉस्ट को इग्नोर कर दिया जाए और फिक्स्ड कॉस्ट का ही इस्तेमाल ज्यादा हो, तो डेफिनेटली वो सिस्टम बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो सकता, वही बात यहाँ पे बोली गई है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, जहां पे मैंने लिमिटेशंस बताई आपको मार्जिनल कॉस्टिंग की। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखो, बाय, थैंक यू।